आर यू? आई होप यू आर फाइन. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स, एंड द टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट. सर्कस मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स. ये स्टोरी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सकल और विलास की. इसमें हम सकल के बारे में जान रहे हैं. सकल की जो मदर थी शीला, अपनी घर का काम करती थी और अपनी फैमिली को देखती थी. चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड. चिल्ड्रंस को लुक आफ्टर करती थी और अपने हस्बैंड की हेल्प करती थी इन द फील्ड. सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग. सकल के छोटे भाई बहन हैं जीतू एंड सीतू, वो अपना टाइम खेलने में और घूमने फिरने में बिताते थे. कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या हम इसमें शीला, जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड कहेंगे? इफ नॉट, अगर नहीं, वाई, क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब. अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति जो भी प्रेवलेंट जो भी वेजेस हैं उन पर काम करने के लिए तैयार है पर उसको काम नहीं मिलता, तो उस स्थिति को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन. जो शीला है वो अपने घर से बाहर काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है. जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन. और जो जीतू और सीतू हैं वो अभी वर्क फोर्स पॉपुलेशन में काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं. नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. इसलिए इन तीनों को ही अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा. द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल. वर्क फोर्स पॉपुलेशन में इंक्लूड किया जाता है 15 years to 59 years. सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल within this age group, so they cannot be called unemployed. Sakal's mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. वो भी घर से बाहर काम नहीं करना चाहती. She too cannot be called unemployed. इसलिए उन्हें भी unemployed नहीं कहा जाएगा. Sakal's grandparents cannot be called unemployed. उन्हें भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा. क्यों? क्योंकि 59 ईयर से उनकी एज ज्यादा है. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. इंडिया में रूरल अर्बन दोनों ही एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है. हाउएवर द नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें कुछ डिफरेंसेज हैं. इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जो रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है उसे सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं. अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. जबकि अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, यानी कि पढ़े लिखे लोग होने पर भी वो लोग जॉब नहीं ढूंढ पाते या नहीं मिल पाता. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से ये मीनिंग है कि जब व्यक्ति को साल में कुछ महीने ही काम नहीं मिल पाता. पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. और जो लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करते हैं उन्हें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. उन्हें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. देर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग इज डन. काफी बिजी सीजन होता है जिसमें कि फसल को बोने से लेकर के उसको थ्रेशिंग तक कंप्लीट पूरा प्रोसेस होता है. सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. पर जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं साल में कुछ महीने उनके पास कोई काम नहीं होता. इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. पर जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें हमें व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई देता है. दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क. उसके पास अपना फील्ड होता है, एग्रीकल्चरल प्लॉट होता है जिस पर वो काम करता है. दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स
एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ज्यादातर क्या होता है कि इसमें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही एग्रीकल्चर फील्ड पर या खेत पर काम करते हैं। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल। जो फील्ड है उसमें काम सिर्फ 5 लोगों का है पर उसमें 8 लोग लगे हुए हैं। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, 3 व्यक्ति एक्स्ट्रा हैं। दिस 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज 5 पीपल पर वो उसी प्लॉट पर काम करते हैं जिस पर कि 5 लोग पहले से ही काम कर रहे होते हैं। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं वो अपने कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, ये कहिए कि वो काम को बढ़ा नहीं पाते। इफ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। अगर इन 3 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो फील्ड की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसका काम है, उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल क्योंकि फील्ड को 5 पीपल्स की ही जरूरत है या 5 लोगों के काम की ही आवश्यकता है। एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गॉइजली एम्प्लॉयड। वो तो एक तरह से डिस्गॉइजली एम्प्लॉयड है यानी कि वो एक तरह से नियोजित तरीके से काम कर रहे हैं पर वास्तव में उन्हें वहां काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ए कॉमन। पर अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें वहां पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन सी बात है, कॉमन फिनोमिना है। मैनी यूथ विद मेट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। डिग्रीज लेने के बाद भी चाहे वो मेट्रिकुलेशन की है, ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उन्हें काम नहीं मिलता। ए स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज फास्टर देन अमंग मेट्रिकुलेट्स। ऐसा भी देखा गया है कि हाई क्लास या ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। यहाँ पर हमें पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड दिखाई देते हैं बशर्ते कि मेट्रिकुलेट्स की। ये पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। एक पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन यानी कि एक विरोधाभासी सी मैन पावर सिचुएशन हमें यहाँ पर विटनेस होती है, दिखाई देती है एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज। कुछ स्पेशल कैटेगरीज में हमें जो लोग हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं या कहिए कि उनमें हमें लोग अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखाई देती है। कोएग्जिस्टिंग विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। पर कुछ ऐसे फील्ड भी हैं जहां पर कि हमें मैन पावर की कमी दिखाई देती है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। एक तरफ हमें टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन जो हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देती है या बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। व्हाइल देयर इज ए डेरथ ऑफ टेक्निकल स्किल। पर कुछ ऐसी टेक्निकल स्किल्स भी हैं जिन्हें की अभी भी पीपल्स की जरूरत होती है या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें लोगों की जरूरत होती है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट से जो हमारे मैन पावर रिसोर्स हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनकी वेस्टेज होती है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी। जो व्यक्ति ने अपने आप को एजुकेशन के साथ इन्वेस्ट करके एसेट में चेंज किया है वो काम न मिलने के कारण लायबिलिटी में चेंज हो जाता है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। और इसी यूथ के अंदर एक होपलेसनेस, एक निराशा की सी, डिस्पेयर हताशा की सी स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है। पीपल डू नॉट हैव एनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। शायद उसके पास इतना मनी, इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज ए ग्रेट सोशल वेस्ट। और जो एजुकेटेड पीपल है अगर उसे काम नहीं पलता पर वो काम करना चाहता है टू फाइंड ए गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज ए ग्रेट सोशल वेस्ट, जो कि समाज के लिए कुछ कर सकता था पर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वह सोशल वेस्ट है यानी कि वो अपनी पूरी मेहनत जो है वो उसकी वेस्ट हो रही है और इससे सोसाइटी का भी नुकसान हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट से जो इकोनॉमिक ओवरलोड है ये अर्थव्यवस्था पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। और जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर अनएम्प्लॉयड लोगों के होने के कारण बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। इससे एक व्यक्ति की लाइफ नहीं या क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं इंडिविजुअल व्यक्ति की बल्कि पूरी सोसाइटी पर ही उसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in the health status and rising withdrawal from the school system. जब एक फैमिली हैज ए लिव ओनली बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, उस लेवल पर पहुंच जाती है वहां जहां सिर्फ जीविका निर्वाह कर सकती है, तो वहां पर क्या होता है, उसकी हेल्थ स्टेटस अपने आप ही डिक्लाइन कर जाता है। ये वो हेल्थ के मामले में वो बहुत पुअर हो जाते हैं एंड राइजिंग विड्रॉल, और अपने आप को वो स्कूल सिस्टम से भी विड्रॉ कर लेते हैं। हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ए इकोनॉमी। एक क्या कही अहितकारी, एक अनएम्प्लॉयमेंट से एक अहितकारी सा इम्पैक्ट, एक गलत इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ पर पड़ता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी, और जो इकोनॉमी है वो मंदी का शिकार हो जाती है। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स, और इससे रिसोर्स भी वेस्ट होते हैं विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जिनको की अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता था, इनको जॉब प्रोवाइड किया जा सकता था। If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy. अगर व्यक्ति रिसोर्स नहीं बन पाता तो नॉर्मली वो लाइबिलिटी में चेंज हो जाता है और इकोनॉमी पर बोझ भी बढ़ जाता है। In case of India, statistically the unemployment rate is low. India में जो unemployment लोगों का रेशियो वो कम है, क्यों? Because a large number of people represented with low income and productivity. क्योंकि जो ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम कम है और प्रोडक्टिविटी भी कम है। आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, पर उन्हें हम एम्प्लॉयड में काउंट तो कर लेते हैं। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल हमें काम करते हुए भी दिखाई देते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, अपनी पोटेंशियल और इनकम के साथ, बट इट इज नॉट एडिकेट फॉर देम, पर वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। द वर्क दैट दे आर परसुइंग, ऐसा लगता है कि काम उनके ऊपर थोपा जा रहा है। दे मे देयर फोर वॉन्ट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, उन्हें कोई अपनी पसंद का काम मिलता तो वो उसे कर सकते थे। पुअर पीपल कैनोट अफोर्ड टू सीट आइडल, पर जो गरीब व्यक्ति है वो बेरोजगार नहीं बैठ सकता। दे टेंड टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, वो किसी भी व्यक्ति किसी भी काम में जुड़ जाता है चाहे वो उसके हिसाब से है या फिर नहीं। Their earnings keep them on a bare subsistence level, और उसकी जो कम अर्निंग होती है यही इसको बिल्कुल जीविका निर्वाह के बिल्कुल निम्न लेवल पर ले जाती है। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. सबसे पहले अगर हम employment की बात करते हैं तो हमें primary sector दिखाई देता है जहां पर लोग self-employment या अपना काम कर सकते हैं, अपना business कर सकते हैं। The whole family contributes in the field even दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड, हर व्यक्ति अगर खेत है तो उसमें काम कर रहा है पर चाहे वो वहां पर उसके लिए आवश्यक काम है या फिर नहीं। सो देयर इज डिसगुइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और यही डिसगुइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट ऑल द फैमिली ऑल्सो हैव ए शेयर इन वट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, पर वो अपना शेयर उसमें रखती है जो कि वहां पर उग रहा है, जो कि बन रहा है या जो प्रोड्यूस हो रहा है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेज्ड रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, जब वो लोग एक खेत पर काम कर रहे हैं और फैमिली मेंबर होने के कारण या फिर अपना हिस्सा होने के कारण वो उसी खेत पर जाकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जॉब ढूंढने की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, पर इससे फैमिली की गरीबी दूर नहीं होती। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज इन सर्च ऑफ जॉब, और इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं फैमिली के वो एज ए लेबर वर्क करने के लिए शहर में माइग्रेट कर जाते हैं और वहां पर जाकर के जॉब की सर्च करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द थ्री सेक्टर्स मेंशन अर्लियर, अब हम उन थ्री सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस को देखेंगे। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चर उसमें सबसे ज्यादा लेबर काम करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन ए डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, पार्टली बिकॉज ऑफ डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर, पर अब हमें प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग काम करते हुए दिखाई नहीं देते क्योंकि वो डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के सिस्टम को, उसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं।
some of the surplus labor in agriculture has moved to either the secondary or the tertiary sector. और काफी जो सरप्लस लोग हैं, सरप्लस लेबर हैं, वो एग्रीकल्चर के फील्ड से निकलकर सेकेंडरी और टर्शी सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं. इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग. अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर काम करते हैं या उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं या खप जाते हैं. इन केस ऑफ द टर्शी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विस आर नो अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. और टर्शी सेक्टर में भी बहुत सारी नई जो हमारी सर्विस है वो बन रही है, और इसीलिए इसमें भी बहुत सारी सर्विस बनने से जो इसका फील्ड है वो बढ़ रहा है या एम्प्लॉयमेंट हमें दिखाई देती है. इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. स्टोरी ऑफ ए विलेज. देयर वॉज ए विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज. विलेज में बहुत सारी फैमिलीज हैं. ईच फैमिली प्रोड्यूस एनफ टू फीड इट्स मेंबर्स. हर फैमिली जो है वो अपने मेंबर्स के लिए उतना बना पाती है, उतना प्रोड्यूस कर पाती है कि उन्हें खिला सके. ईच फैमिली मेट इट्स नीड्स बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स. उनके क्लोथ की जिम्मेदारी, टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन, ये सब जो फैमिलीज हैं अपनी जिम्मेदारी खुद ही निभाते हैं. वन ऑफ द फैमिलीज डिसाइड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज. उसी में से एक फैमिली ने अपने एक बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया. द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. और उसे पड़ोस में ही एक एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया. आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू विलेज. एग्रो इंजीनियर की डिग्री लेकर के वो वापिस अपने गांव आ गया. ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव. वो काफी उसने आपको क्रिएटिविटी को उसने प्रूव किया. दैट ही कुड डिजाइन एन इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लो. उसने एक डिजाइनदार प्लो बनाया, हल बनाया, विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ फीड, जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन भी बढ़ा. दस ए न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियरिंग वॉज क्रिएटेड एंड फिल्ड इन द विलेज. और इस तरह से ये जॉब विलेज में बनाई गई और इसको उस बच्चे ने या उस स्टूडेंट ने भर दिया. द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन ए नियर बाय नेबरिंग विलेज. अब जो फैमिली थी गांव में रहने वाली, वो एक्स्ट्रा वीट को, सरप्लस वीट को नेबरिंग विलेज में बेच रही थी. दे अर्न गुड प्रॉफिट. उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था. विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्फ, जिसे वे आपस में बांट रही थी. इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड ए मीटिंग इन द विलेज. इससे इंस्पायर होकर के फैमिलीज ने गांव में एक मीटिंग की. दे ऑल वॉन्टेड टू हैव ए बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू. अब सभी अपने बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर चाहते थे. दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन स्कूल इन द विलेज. उन्होंने पंचायत से रिक्वेस्ट की एक स्कूल खुलवाने की. दे अश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. और ये भी प्रॉमिस किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे. द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपन ए स्कूल. पंचायत ने गवर्नमेंट की हेल्प से स्कूल खोला. ए टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम ए नियर बाय टाउन. नियर बाय टाउन से एक टीचर को भी उसमें रिक्रूट किया गया. ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. और सभी बच्चों ने स्कूल जाना भी शुरू किया. आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग. थोड़े समय बाद एक फैमिली ने अपनी लड़की को, अपनी डॉटर को टेलरिंग के फील्ड में ट्रेनिंग दी. शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स. उसने क्लोथ को स्टिच करना या सीना शुरू किया फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज. विलेज की सभी फैमिलीज के लिए. फॉर एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय एंड वियर वेल टेलर्ड क्लोथ्स. अब सभी चाहते थे कि अच्छे टेलर के हाथ का सिला हुआ ही वह कपड़ा पहने. दस अनदर न्यू जॉब दैट ऑफ ए टेलर वॉज क्रिएटेड. अब इस तरह से एक नई जॉब गांव में बनी जिसे कि हम टेलर के नाम से जानेंगे. दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट. इससे गांव पर एक और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा. द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ्स वॉज सेव्ड. अब फार्मर्स का वो टाइम बचने लगा जो कि बाजार जाकर के वो कपड़ा खरीदने में लगाते थे. एज द फार्मर स्पेंट मोर टाइम इन द फील्ड. अब वो फील्ड में ज्यादा टाइम दे पाते हैं. द यील्ड ऑफ द फार्म्स वेंट अप. और उनका जो यील्ड है वो भी या प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी. और प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत हो गई. द फार्मर्स हैड मोर देन दे कुड कंज्यूम. अब फार्मर्स को उससे ज्यादा मिलता था जितना कि वो कंज्यूम कर सकते हैं. नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर हु केम टू देयर विलेज मार्केट. अब उन्होंने उस अनाज को, उस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस को मार्केट में बेचना शुरू किया दूसरे लोगों को जो कि उस चीज को खरीदने उनकी मार्केट में आते थे. ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी इन द बिगिनिंग हैड मैनी लाइक टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर. एक वो सिंपल सा विलेज जिसमें कि कोई जॉब नहीं था, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी,
अब उसमें हमें टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर और भी कनेक्टेड जॉब्स दिखाई दे रहे थे। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ ए सिंपल विलेज। एक सिंपल विलेज की स्टोरी है वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इनेबल इट टू इवॉल्व इन टू ए प्लेस रिच विथ कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो सिंपल विलेज ह्यूमन कैपिटल के उठने से, ह्यूमन कैपिटल के उभरने से एक ऐसा प्लेस बन गया जहाँ पर की कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लगी। इस तरह से हमें पता चलता है कि विलेज एरियाज में भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं और लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। थैंक यू।